अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल हैरियत से हों। तो जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी बटरफ्लाइज आई हुई हैं। तो आजकल ना इस तरह की कलरफुल सी प्यारी सी बटरफ्लाइज़ यहाँ पे टेरेस में मुझे अक्सर नज़र आती रहती हैं, और ये तो इतनी कलरफुल थी ना कि फ़ौरन से मेरा दिल चाहा कि इनको कैप्चर करूँ और यहाँ से ही अपने व्लॉग को स्टार्ट करूँ। तो जी, आज मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो अभी कुछ देर पहले ही हनान स्कूल से वापस आया है, और हनान के आने के टाइम पे ना आज का लाइट भी गई होती है, तो इसलिए हम सब लोग तो यहाँ पे टेरेस में ही बैठे हुए थे, तो हनान भी यहाँ पे हमारे पास ही आके बैठ गया है। वैसे तो उसका गर्मी से बुरा हाल होया हुआ था, तो आज ना वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होया हुआ है। हवा भी चल रही थी और बादल भी काफ़ी घने आए हुए थे, लेकिन फिर वही है ना कि बारिश नहीं हुई। तो एक दफ़ा खुल के बारिश हो जाए ना तो मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए, वरना इस दफ़ा तो इतनी हब्स वाली गर्मी पड़ी है ना कि सबका बुरा हाल होया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हनान का भी कितना बुरा हाल होया हुआ है गर्मी की वजह से। और जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो उनका दिल चाहता है कि ठंडा ठंडा रूम हो, वहाँ पर बैठ जाए आराम से, क्योंकि बाहर गर्मी खा के आते हैं, और जब आगे भी आके लाइट ना मिले तो बच्चों का इस तरह से ही मूड ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे ना मुर्तज़ा हनान का मूड थोड़ा सा फ्रेश करने की कोशिश कर रहा था अपनी बातों के साथ, और इसी दौरान ना मेरी हेल्पर भी आ गई, तो वो भी इसी टाइम पे आई। तो आजकल ना मॉर्निंग में धूप काफ़ी शदीद होने लगती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा लेट आती हैं, लेकिन आज तो बादल थे, लेकिन फिर भी वो अपने टाइम पर ही आई हैं, तो वो भी यहाँ पर आके हमारे पास ही बैठ गई थी। और बस यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी थी, तो साथ में मैंने हनान के लिए ब्रेकफास्ट भी बना लिया। तो कल में हमने दाल पकाई थी, तो हनान मुझे कहने लगा कि ब्रेड के स्लाइसेस के साथ मुझे दाल ही दे दें। तो यहाँ पे मैंने दाल भी गर्म कर ली थी और साथ में अपने लिए चाय भी बना ली थी। तो आज मेरी हेल्पर और उनकी बेटी भी आए हुए थे, तो मैंने उनके लिए भी चाय डाल ली है। तो बस यहाँ पर हम लोग जल्दी से अब चाय पी लेते हैं। और गर्मी चाहे जितनी मर्ज़ी शदीद हो ना, चाय के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो चाय पीनी तो मस्ट है हम लोगों के लिए, चाहे जितनी भी गर्मी हो, चाय तो हम लोग ज़रूर पीते हैं। और चाय आजकल ना मैं जब हनान स्कूल से आता है तो तब ही बनाती हूँ, क्योंकि अभी हनान के ही स्कूल ओपन हुए हैं और अरीबा को अभी छुट्टियाँ हुई हैं, क्योंकि उसके पेपर्स अभी ख़त्म हुए हैं, तो कॉलेज ऑफ हो गया है, और मुर्तज़ा के स्कूल मंडे से ओपन होंगे, तो इसलिए अभी घर में से सिर्फ हनान ही स्कूल जाता है। और यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पी के फ्री हो गए थे, और हेल्पर भी अपना काम करके चली गई थी। तो अब मुर्तज़ा को फिक्र हो रही थी, क्योंकि दो दिन रह गए हैं उसके स्कूल ओपन होने में, तो अब वो मुझे यही कह रहा था कि हम लोग अपना कोर्स वगैरह ले आते हैं, क्योंकि मुर्तज़ा की न्यू क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो अभी मैंने उसका कोर्स भी नहीं लिया, क्योंकि अगर हालात घर में ठीक होते ना तो फिर मुर्तज़ा का कोर्स मैंने पहले ही ले लेना था, और फिर वो छुट्टियों में भी थोड़ा बहुत ट्यूशन में जाके पढ़ता रहता, लेकिन बस बच्चे ट्यूशन भी नहीं गए सारी छुट्टियां, और ऐसे ही घर में ही गुजार दी हैं उन्होंने अपनी वेकेशंस। तो अब हम मुर्तज़ा का कोर्स लेने के लिए आज जाने लगे थे, तो मुर्तज़ा वही ढूंढ रहा था कि मेरी बुक लिस्ट किधर है, तो उसके रिज़ल्ट कार्ड में ही बुक लिस्ट भी होती है, तो हम लोग वही ढूंढ रहे थे कि मुर्तज़ा का रिज़ल्ट कार्ड किधर है, क्योंकि बेध्यानी में ही रखा हुआ था और इस वक्त याद भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर बुक रैक में से ही मिल गया, और इसमें से बुक लिस्ट निकाल के अब हम लोग जाने लगे थे। तो मैं अरीबा और हनान दोनों से कह रही थी कि आप लोग भी हमारे साथ चलो, और मैंने बच्चों से काफ़ी देर तक कहती रही कि आओ मेरे साथ चलो, रास्ते में थोड़ी सी मुझे वीडियो भी बना देना, लेकिन बस आज उनका मूड ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हनान काफ़ी गर्मी खा के आया था ना स्कूल से, तो उसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। वो मुझे कह रहा था कि मैं तो थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो अरीबा कहने लगी कि हम लोग गर्मी में जा क्या करेंगे, आप दोनों ही चले जाओ और जाके ले आओ। तो यहाँ पर देखिए मुर्तज़ा मेरे साथ जा रहा है, और बुक लिस्ट उसने खुद ही पकड़ी हुई है। क्योंकि
उनके जब बच्चों ने अपना कोर्स वगैरह लेके आना होता है ना, तब उनको बड़ा ज़्यादा शौक होता है, और जब अपनी बुक्स वगैरह देख लेते हैं ना, तो फिर वो एकदम से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जितने छोटे हैं ना, उनकी बुक्स उतनी ही ज़्यादा हैवी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ही होती हैं। और मैं ना आपसे थोड़े दिन पहले भी व्लॉग शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि मेरे 16K सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे, लेकिन बस मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर ही नहीं कर सकी, क्योंकि इस मौके पे आप लोगों को थैंक यू कहना तो मेरा बनता ही था। आप लोग जो इतने प्यारे प्यारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका शुक्रिया अदा मैं तहे दिल से करती हूँ, लेकिन बस मैं व्लॉग नहीं बना पाई और ना ही इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकी हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब 20K सब्सक्राइबर्स होंगे तो तब हम ज़रूर थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे, और तब मैं आप लोगों के साथ अपनी खुशी को शेयर भी करूँगी, लेकिन इस वक्त आप लोग मेरा सिर्फ शुक्रिया ही कबूल कर लें। और जी यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं, और ये सारा व्लॉग ना मुर्तज़ा ने ही कैप्चर किया है, तो उसे जो जो चीज़ें अच्छी लगती रही ना, वो खुद ही से बनाता रहा वीडियो, और मुझे कह भी रहा था कि मेरी वीडियो ज़्यादा कट नहीं करनी, सारी आपने दिखानी है जो मैंने बनाई है। और बनाने के बाद ना वो मुझे यही पूछ रहा था कि पता नहीं कैसी मैंने बनाई होगी, मेरे हाथ हिल रहे होंगे, अच्छी बनी होगी कि नहीं बनी होगी। तो मैं उसे यही कह रही थी कि आपने जितनी भी बनाई होगी ना, बड़ी अच्छी बनाई होगी। और देखिए मुर्तज़ा ने वाकई ही ना अच्छा अच्छा ही सारा कुछ कैप्चर किया हुआ है। उसे भी मेरी तरह ना नेचर को एंजॉय करना अच्छा लगता है, तो बादल वगैरह सीनरीज इस तरह से उसने कैप्चर की हुई हैं। और यहाँ पे ना 14 अगस्त के लिए सारे फ्लैग्स वगैरह भी लगे हुए हैं, तो बच्चों को काफ़ी शौक होता है। मुर्तज़ा मुझे कह रहा था हमने पूरा साल फ्लैग लगाए रखा है, लेकिन अब जब 14 अगस्त आने वाली है तो हमने फ्लैग ही उतार दिया है। तो असल में क्या हुआ था कि हमारा फ्लैग थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ आ गया था, तो इसलिए हमने उतार लिया। तो अब मैं उसे यही कह रही थी कि हम उसे ठीक करके दोबारा लगा लेंगे, तो मुर्तज़ा मुझे कह रहा था कि नहीं, हम लोग नया फ्लैग लेके आएंगे, मैंने पुराने वाला नहीं लगाना। तो वो मुझे यही कह रहा था कि यहाँ से फ्लैग ले लें। मैंने उसे कहा कि पहले अपना कोर्स तो ले आओ, ये चीज़ें तो हम बाद में भी लेते रहेंगे। तो जी यहाँ पर हम लोग बुक शॉप में आ गए हैं, ये स्कूल वालों ने ही बुक शॉप रिकमेंड की हुई है, और यहाँ से स्कूल का ही कोर्स मिलता है, तो और भी बच्चे यहाँ पे अपना कोर्स वगैरह लेने के लिए आए हुए थे। और बस यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कोर्स पहले ही बना के रखा हुआ था। जस्ट मैंने जाके उनको बुक लिस्ट दिखाई, तो उन्होंने फ़ौरन से ही मुझे किताबें निकाल के दे दी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही पैकेट बना के रखे हुए थे। और देखिए यहाँ पे जल्दी से ही उन्होंने कोर्स निकाल के हमें दे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग मैचिंग कर रहे थे कि सारी बुक्स हैं इसमें, कि कोई मिसिंग तो नहीं है, तो वो बस हमें काउंट भी करवा रहे थे कि देखिए सारी बुक्स इसमें कंप्लीट हैं। और मुर्तज़ा की बुक्स देख के ना अभी मुझे खुद भी हैरानी हो रही थी, क्योंकि मुर्तज़ा 4th क्लास में गया है, और इतनी ज़्यादा उसकी बुक्स है ना, कि मैं यही देख रही थी कि मुर्तज़ा कैसे पढ़ेगा ये सारी किताबें, और काफ़ी टफ मुझे उसका कोर्स लग रहा था। और यहाँ पे बैग्स वगैरह भी पड़े हुए थे, पानी की बोतल्स भी पड़ी हुई थी, लंच बॉक्स भी थे, तो बस सारी चीज़ें ही देख के ना मुर्तज़ा का दिल चाह रहा था कि हम ये भी ले लें वो भी ले लें। वैसे लेनी तो हमने सारी ही थी, बैग भी लेना था और उसने अपनी पानी की बोतल भी लेनी थी, तो मुर्तज़ा यहाँ से देख रहा था, लेकिन मुझे बैग को इतने ज़्यादा पायदार यहाँ पर नज़र नहीं आए, और कीमत में भी काफ़ी ज़्यादा हाई थे। तो मैंने उसे कहा कि यहाँ से रहने दो, हम कहीं और से लेंगे, क्योंकि ये स्कूल वालों की बुक शॉप थी तो थोड़ी सी महंगी भी होगी, तो वहीं से हम लोग बैग्स वगैरह लेंगे, जहाँ से हम लोग हमेशा से ही लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे देते हैं और उनके बैग्स काफ़ी ज़्यादा पायदार भी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बुक्स लेके वापस निकल पड़े हैं, लेकिन अभी हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमने रास्ते में से बैग, मुर्तज़ा के शूज़ और यूनिफॉर्म वगैरह भी लेना है, तो आज मुर्तज़ा की सारी तैयारी हमने कम्प्लीट करनी है, क्योंकि मंडे से स्कूल ओपन है।
और देखिए बस मुर्तजा की नज़रें ना यहाँ पे फ्लैग्स पे और 14 अगस्त की चीज़ों पे ही हैं, तो वो सारी इन चीज़ों को ही कैप्चर करता रहा है। झंडे देख के ना उसका काफ़ी दिल चाह रहा था कि हम कोई फ्लैग ले लें, कोई बड़ा सा फ्लैग ले लें, तो वो मुझे यही कह रहा था यहाँ पे रुकते हैं, ये फ्लैग ले लेते हैं, देखें ये कितना बड़ा है। तो बच्चों को ना ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, सबसे पहले हम लोगों ने मुर्तजा के लिए स्कूल शूज लेने हैं। तो स्कूल शूज तो हम लोग यहीं से बाटा वगैरह से ही लेते हैं, क्योंकि वहीं से अच्छे शूज मिल जाते हैं, पूरा साल फिर बच्चों का उन्हीं शूज के साथ निकल जाता है। तो यहाँ पे हम बाटा पे आए हैं, तो यहाँ पे स्कूल शूज़ इस दफ़ा काफ़ी अच्छे मुझे लगे, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब स्कूल ओपन होने वाले होते हैं ना तो इनके पास वैरायटी भी थोड़ी सी कम होने लगती है, लेकिन इस दफ़ा शूज़ काफ़ी अच्छे थे। तो मुझे मुर्तजा के लिए दो शूज़ अच्छे लगे, मैंने उसे कहा कि दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगता है ना वो ले लो। तो दोनों ही यहाँ पर मुर्तजा पहन के देख लेगा अपने साइज़ के, और फिर इसको जो भी कंफर्टेबल लगेंगे तो वो फिर हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर मुर्तजा के पहले तो साइज़ देख रहे थे कि क्या साइज़ है, और जितनी देर में मुर्तजा का साइज़ लेके वो उसके नाप के मुताबिक शूज़ लेने के लिए गए, तो उतनी देर तक मैं यहाँ पे बैग्स वगैरह देख रही थी, और फिर घर में पहनने के लिए शूज़ वगैरह देख रही थी। और जो चप्पल अभी मैं घर में पहनती हूँ वही डिज़ाइन इनके पास अभी तक पड़ा हुआ है। तो ये चप्पल तो मैंने दो दफ़ा खुद भी ले ली है यही डिज़ाइन की, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और काफ़ी पायदार भी है, और मुझे लगता है कि ये डिज़ाइन इनका काफ़ी ज़्यादा सेल होता है, इसलिए जब कभी भी यहाँ पे बाटा पे आते हैं ना तो ये डिज़ाइन यहाँ पे ज़रूर पड़ा होता है। तो मैं यही देख रही थी कि इसकी कीमत अभी भी वही है जो मैं लेती रही हूँ या अभी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो तकरीबन थोड़ा सा ही मार्जिन इन्होंने दिया है, थोड़ा सा ही महंगा किया है इसे। और ये डिज़ाइन ना सदाबहार है इनका, हर दफ़ा ही यहाँ पे आए तो पड़ा होता है। तो बस मैं और भी डिज़ाइन देख रही थी, वैसे मैंने लेनी कोई नहीं थी, ऐसे ही मैं विंडो शॉपिंग कर रही थी। और फिर मैं यहाँ पे लेडीज़ बैग्स भी देख रही थी, बैग्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी के थे, लेकिन जितनी अच्छी वैरायटी के थे ना उतनी ही अच्छी इनकी प्राइस भी थी। तो ऐसे ही मैं जस्ट बैग्स देख रही थी, ये बैग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और इसकी प्राइस 4000 थी, तो देखने में ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और उतनी ही अच्छी इसकी प्राइस भी मुझे लगी। तो बस मैंने इसको देखा ही, विंडो शॉपिंग ही की, लिया मैंने नहीं, क्योंकि अभी वो मुर्तजा के साइज़ के शूज़ लेने के लिए गए हुए थे, तो उतनी देर हम लोग तो फ्री ही थे, तो मैं इधर उधर देख रही थी, बैग्स वगैरह देख रही थी, साथ साथ वीडियो भी बनाते जा रही थी। तो ये मुझे ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, आप भी बताइए आपको अच्छा लगा कि नहीं, लेकिन बस मैंने फिर इसे छोड़ दिया, मैंने सोचा कि ऐसे ही विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, देख के ही दिल खुश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुर्तजा के शूज़ आ गए हैं, और वो दोनों शूज़ पहन के अब चेक कर लेगा, जो उसे कम्फर्टेबल लगेगा फिर हम लोग वही ले लेंगे। और देखिए यहाँ पे मुर्तजा ने दोनों शूज़ पहन लिए हैं, दोनों डिज़ाइंस के शूज़ एक एक पाँव में पहन लिए हैं। तो मैं उसको यही कह रही थी कि जो आपको कंफर्टेबल लगेगा ना तो वही लेना, फिर बाद में मुझे ना कहना कि ये मुझे तंग लग रहा है, ये मुझे छोटा लग रहा है, या ये मुझे ठीक नहीं है। क्योंकि जब शूज़ लेके मुर्तजा घर आ जाता है ना तो वो यही बातें करता रहता है कि ये कम्फर्टेबल नहीं है, ये मुझे चुभ रहा है, ये मुझे खुला है, बस इस तरह की बातें करता रहता है। और फिर जो मुर्तजा ने सेलेक्ट किया तो हमने वही ले लिया है शूज़, और शूज़ लेके हम लोग यहाँ से बाहर निकलने ही लगे थे कि यहाँ पे हमें स्कूल बैग्स भी दिखाई दिए। तो वैसे हमने पहले तो कभी बाटा के बैग्स वगैरह नहीं लिए, और ये मुझे पता भी नहीं है कि वो इतने पायदार होते भी हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि साल में दो बैग्स ही इस्तेमाल कर लेते हैं। और अक्सर मुर्तजा क्या करता है कि ट्रॉली वाला बैग ले लेता है, बड़े शौक शौक से वो ट्रॉली वाला बैग लेता है, लेकिन फिर जब स्कूल में स्टेयर्स वगैरह के ऊपर से लेके जाना पड़ता है तो वहाँ से खींचते हुए बच्चे ट्रॉली वाला बैग लेके जाते हैं, और थोड़े दिन ही गुजरते हैं कि ट्रॉली वो तोड़ के घर ले आता है और फिर मुझे कहता है कि अब दूसरा बैग लेते हैं। तो इस दफ़ा भी मुझे वो यही कह रहा था कि इतनी ज़्यादा बुक्स हैं, मैंने ट्रॉली वाला बैग लेना है। तो मैंने उसे मना किया कि ट्रॉली वाला ना लो, आपसे संभाला तो जाता नहीं है। फिर हमने बाटा भी देखा तो उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ही थी, तो इसलिए मैंने उसे कहा कि चलो वहाँ पे चलते हैं जहाँ से हम लोग लेते हैं बैग्स हमेशा ही, क्योंकि इनके बैग्स काफ़ी ज़्यादा पायदार होते हैं और पूरा साल भी निकल जाता है। और देखिए यहाँ पे मुझे एक बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो बस मैंने यही ले लिया है, इनके बैग्स काफ़ी ज़्यादा मुनासिब कीमत पे होते हैं।
और इन्हीं के पास से ही हमने मुर्तजा का यूनिफॉर्म भी ले लिया। तो बैग यूनिफॉर्म लेके हम लोग बस वापस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने भट्टा के आगे ही गाड़ी को खड़ा किया हुआ था, तो वहीं से हम लोग फिर चल के तो आगे यूनिफॉर्म और बैग वगैरह लेने के लिए चले गए। और बस मुर्तजा आज बड़ा ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसकी सारी तैयारी हो गई है। तो वो यही कह रहा था कि मेरी तो सारी चीज़ें आ गई हैं, और सारी चीज़ें जो भी वो लेता था ना, खुद ही पकड़ के फिर वो वापस गाड़ी में लेके आता था। तो बच्चों ने ना जब अपनी शॉपिंग करनी होती है ना, तो वो बड़े खुश होते हैं। और यहाँ पे जल्दी जल्दी से मुर्तजा ये शॉपिंग बैग लेके आ गया, और मैं उसको कह रही थी कि मैंने वहाँ पे चेक भी नहीं किया कि सारी चीज़ें कंप्लीट हैं कि नहीं, आप ऐसे ही लेके आ गए हो। तो यहाँ पे मैं बस यही देख रही थी। और इसके बाद फिर हम लोग फ़ौरन से घर आ गए, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि कभी एक शॉप पे जाते थे, कभी दूसरी शॉप पे जाते थे, तो इसलिए थकन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी मुर्तजा का यूनिफॉर्म, और साथ ही जो टाई वगैरह और बेल्ट वगैरह लेनी थी, सब चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं, बुक्स भी आ गई हैं। और बस अब मैं मुर्तजा को कह रही थी कि थोड़ी देर सांस लेते हैं, फिर आपकी बुक्स बाइंडिंग के लिए दे आते हैं। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो आज का थोड़ा सा शॉपिंग का व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।